नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वच्छ इंडिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबर। पल पल की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा न्यूज चैनल स्वैच्छिक दुनिया। सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में हुई जमकर गाली गलौज और नारेबाजी। कितने बेरोजगार को रोजगार दिया है मंत्री ने आज कानपुर। सपा नेता फतेह बहादुर गिल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के कार्यालय में बेरोजगारी को लेकर ज्ञापन देने जा रहे। सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कार्यालय के बाहर ही रोक दिया, जिससे नाराज सपा कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे, जिससे मंत्री के कार्यालय में मौजूद भाजपा कार्यकर्ता भी बाहर निकल आए और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी होने लगी। दोनों तरफ से हो रही नारेबाजी से माहौल गर्म हो गया। पार्षद कैलाश पांडे, भाजपा नेता नंदू शुक्ला, दिनेश मिश्रा आदि भाजपा नेता बाहर निकल आए। माहौल गर्म होते ही सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में गाली गलौज और धक्का मुक्की होने लगी। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग करके माहौल को शांत कराया और सपा कार्यकर्ताओं को वापस भेजा। सपा नेता फतेह बहादुर गिल ने बताया कि वह मंत्री सतीश महाना को फूल देकर या पूछने गए थे कि आज तक कितने बेरोजगार को नौकरी दी है, महाराजपुर विधानसभा में कितनी फैक्ट्री लगवाई है, जिस पर भाजपा मंत्री सतीश महाना बाहर न निकले और अपने कार्यकर्ताओं से अभद्रता कराने लगे। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने कहा कि सपा नेता गुंडागर्दी कर रहे थे, बिना किसी सूचना के सपा नेता हमारे घर पर आकर अभद्रता करने लगे, पुलिस प्रशासन कार्यवाही करे। चकेरी थाना अध्यक्ष मधुर मिश्रा ने कहा कि चकेरी चौकी इंचार्ज रामजी सिंह की तहरीर पर सपा नेता फतेह बहादुर गिल और अजीत सिंह यादव सहित 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही की जाएगी। कानपुर से साहिल चौहान की खास रिपोर्ट। बड़े अफसोस की बात है, जब वोट चाहिए होता है तो अरे सेल्फी हट जाओ, ये सेल्फी हटो, हटो यार सेल्फी में, सेल्फी हटो, बीच में सेल्फी लेके जाते हो। आज राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, तेरा गुना है दिमाग पीछे हो, तेरा गुना है तो हम गुना करेंगे। हम लोग साहब, हम आज मंत्री जन भाई मैं जाऊंगा बुलाइए बहुत सारे वालों को। मगर लोगों को चूरन मत चटाओ। ये आज आम जनता, हम लोग सिर्फ मंत्री जी को फूल देने आए हुए हैं और मंत्री जी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सेकंड नंबर पर उद्योगिक मंत्री माननीय महाना जी से सिर्फ ये पूछने आए हैं। महाना जी पता है महाराजपुर विधानसभा में औद्योगिक मंत्रालय कोई निशानी दिखाओ महाराजपुर के अंदर। हाथ जोड़ के निवेदन, इन्हें बार बार मना किया गया तो किसी के निजी घर में पार्टी। देखिए समाजवादी पार्टी के गुंडे
जिनका नाम थाने में लिखा हुआ है, जो हमेशा हिस्ट्री सीटर रहे और वसूली करते रहे, आज उनके ऊपर सख्ती हो रही है, तो उनको चुनाव के समय में याद आ रहा है, बहुत सारी बातें याद आती तो दो चार साल पहले याद आनी चाहिए थी। इस प्रकार का अराजकता फैलाने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है, कानून अपना काम करेगा। मंत्री जी ये बताइए कि क्या इसकी सूचना आपको पहले से दी गई थी? नहीं, ना तो मुझे कोई सूचना थी, ना ही पुलिस प्रशासन को कोई सूचना थी। बिना सूचना के किसी भी घर, किसी के घर में जाकर अराजकता फैलाना, गाली गलौज करना, गुंडागर्दी करना, ये समाजवादी पार्टी के चरित्र में है। लेकिन जिन्होंने गुंडागर्दी करी है, जिला प्रशासन अपने हिसाब से। गांधी जयंती पर वो आपको फूल देना चाह रहे थे तो वो बताते ना, फूल देने आ रहे हैं तो टेलीफोन करते बताते, तो फूल देने के लिए गंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है क्या? गांधी जयंती इनको आज याद आ रही है, जो दुर्भाग्य से किसी की मृत्यु होती है और उसके घर जाते हैं तो उसकी पत्नी को भी कहना पड़ता है कि यार अनुशासन में आओ, उन लोगों के लिए ना तो अनुशासन है और ये गुंडों के खिलाफ गुंडागर्दी वाली कार्रवाई पुलिस प्रशासन करे। और ये बेरोजगारी पे ये लोग बोले थे कि इस्तीफा दें, अब उनको मुझे हिसाब किताब नहीं देना, मुझे जिस जनता को हिसाब किताब देना है मैं उनको हिसाब किताब देता है, और छावनी क्षेत्र की जनता पहले और महाराजपुर क्षेत्र की जनता ने उसका हिसाब किताब मेरे से लिया है, मैं उनको दूंगा, किसी गुंडे को मुझे हिसाब किताब देने की जरूरत नहीं। क्या कानून पे कोई कार्रवाई करे? कानून अपने कार्रवाई करेगा। उनका कहना है कि साढ़े चार साल उनकी किसी भी बात का जवाब देने का वो मेरे पास इस तरीके का कोई वो नहीं है। उनका कहना है साढ़े चार साल हो गए लेकिन अभी तक महाराजपुर में एक भी उद्योग नहीं लगा है। अब उसके उनकी जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, साढ़े चार साल लगे हैं तो मेरे पास आकर मांगते हिसाब किताब मांगते, अपने नेताजी को कहते विधानसभा में मेरे से पूछते, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में जाते पूछने के लिए, साढ़े चार साल में उद्योग लगा कि नहीं लगा, ये जिसको जवाब देना मैं जवाब दूंगा, गुंडों को कोई जवाब नहीं दिया जाता। ठीक है।